हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्टी फूड रेसिपीज़। आज मैं बनाने जा रही हूँ मोमोज चटनी। चलिए देखते हैं उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिया है 4 टमाटर, ड्राई रेड चिली लिया है रेगुलर वाला 15, लहसुन लिया है 9 पीस, नमक, काली मिर्च पाउडर, सोया सॉस, विनेगर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, कॉर्नफ्लोर लिया है 1 टीस्पून और लिया है ऑयल। तो पानी को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है और इसमें हम डाल देंगे टमाटर। लेकिन इससे पहले हम टमाटर के बैक साइड में थोड़ा सा कट लगा देंगे, इससे टमाटर का जो छिलका है वो उबलने के बाद अच्छे से निकल जाएगा अपने आप। तो इसी तरह सारे टमाटर को कट कर लेंगे पीछे से। तो इसी में डाल देंगे हम ड्राई रेड चिली, इसे भी इसी के साथ उबलने देंगे। तो 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे बॉईल कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे 5-7 मिनट हो गया है, अब ये ऊपर से इसका छिलका भी उतर चुका है। तो अब हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं या फिर एक प्लेट में निकाल लेते हैं, ठंडा करने के लिए रख देंगे इसे। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो अभी ठंडा हो चुका है तो सारा इसका जो छिलका है वो निकाल देंगे। मोमोज की चटनी सबको पसंद आती है तो घर पर बनाएंगे हाइजीनिक तरीके से, इस तरह से ज़रूर बनाएं आप। टमाटो की जो ये हार्ड पार्ट है इसको हम निकाल देंगे, निकाल के इसे अलग कर देंगे। आप चाहे तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं पर मैं यहाँ पर निकाल देती हूँ। इस तरह से निकाल दीजिए। आप चाहे तो इसे बॉईल करने से पहले भी कट करके निकाल सकते हैं पर मैं अभी निकाल देती हूँ, इसे अलग कर देती हूँ। अब हम इसे ग्राइंड कर देंगे। तो सबसे पहले हम डाल देंगे लहसुन, टमाटो डाल देंगे और इसमें रेड चिली भी डाल देंगे, नमक डाल देंगे, काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं, स्मूथ पेस्ट बना देंगे इसका। चाहे तो थोड़ा सा पानी भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, 2-3 टेबलस्पून। देखिए इस तरह का पेस्ट बना देंगे। गैस पर पैन चढ़ा देंगे, उसमें डाल देंगे ऑयल, कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे, इससे थोड़ा सा कलर भी अच्छा आ जाएगा। ऐसे ही हमारा टमाटर लाल है लेकिन फिर भी थोड़ा सा कलर लाने के लिए हम डाल सकते हैं, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। सोया सॉस डाल देंगे इसमें, विनेगर डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं, बट अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा थिक चाहिए, जैसे कि मोमोज की चटनी होती है मार्केट से जो हम लाते हैं वो थोड़ा थिक होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर यूज किया है। 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, उसमें 2-3 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी डालेंगे। आप चाहे तो 2-3 आलमंड टमाटो के साथ साथ में बॉईल कर लीजिए और उसका छिलका निकाल कर उसे टमाटो के साथ ग्राइंड कर सकते हैं थिकनेस लाने के लिए। तो मोमोज की चटनी तैयार है। ठंडा होने के बाद ये और भी थिक हो जाएगा। आप इसे मोमोज के साथ तो खा ही सकते हैं, इसके अलावा आप कोई भी स्टार्टर के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ठंडा होने के बाद कितना ठीक हो गया है। एक बार मैं इसे स्पून में निकाल के आपको दिखाती हूँ। देख पा रहे होंगे तो है ना, बिल्कुल बाहर की मोमो की चटनी जैसी। तो ये मोमो की चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।